death trap in Andhra Pradesh. I request the Honorable Minister. Srimati Kanta Kardam, please. Dash minute, 8 minute, sorry. खुल गया सर, धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे अनुपूर्वक अनुदानों की मांगों पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका और अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं। महोदय, अनुपूर्वक अनुदानों मांगों के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। मैं जितनी भी तारीफ कर दूं अपने प्रधानमंत्री जी की उतनी ही कम है। उन्होंने सबका ध्यान रखा, दलित वंचित शोषित गरीब कल्याण के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से भी बहुत उनको राहत देने का और आगे बढ़ाने का काम किया है, मजबूत करने का काम किया है। महोदय, हमारी सरकार का बजट विकास को गति प्रदान करने वाला है, इससे सार्वजनिक निवेशों को बढ़ावा मिलेगा और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ोतरी होगी। महोदय, सरकार ने वर्ष 2022-2023 के लिए अनुदान की अनुपूर्वक मांगों के रूप में अतिरिक्त 3.26 लाख करोड़ रुपए की मांग की है, जो कि उपरोक्त सब्सिडी भोजन और एलपीजी सब्सिडी बिल का वित्त पोषण करने के लिए है। महोदय, इस वर्ष लगभग 10% राशि का उपयोग सड़क और रेल जैसी क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय और वृद्धि करने के लिए किया गया है। महोदय, जिस प्रदेश से भी मैं आती हूँ उस प्रदेश के विषय में भी मैं जरूर बोलना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश को भी सरकार ने बहुत कुछ दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी, अगर मैं कहूँ जिस जिले से मैं आती हूँ तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देने का काम भी किया है, जिससे कि हमारे खेल जगत के इतिहास में और युवाओं को बढ़ावा भी ये मिलेगा और हमारे युवा भी आगे बढ़ेंगे। शाकुंभरी देवी के नाम से सहारनपुर में भी यूनिवर्सिटी देने का काम किया है सरकार ने। रैपिड रेल जो दिल्ली से मेरठ जाती है उसको भी देने का काम किया है, जिससे डिस्टेंस को जो कम करने का काम करेगी। इंटरनेशनल हवाई अड्डे जो बहुत जरूरी था, जेवर नाडा एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट भी देने का काम किया है, मेट्रो को भी देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में लगातार जो प्राइमरी स्कूल हैं जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता था, उसके स्ट्रक्चर को भी मजबूत करने का काम किया है, जिससे कि गरीब और दलितों के बच्चे, शोषितों के बच्चे ठीक से बैठ सकें और आगे बढ़ने के लिए भी उनको जो है मदद मिलेगी। माननीय महोदय, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त परिवहन की मांग इसमें करी गई है। आज राष्ट्रीय राजमार्ग कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कक्ष से पूर्ववर्ती तक पूरे देश को जोड़ रहा है, जहां मार्च 2014 में 90,000 किलोमीटर ही राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ था। आज हमारी सरकार ने 1,40,000 किलोमीटर से अधिक के राजमार्ग बन चुके हैं। इस प्रकार से हमारे देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना आसान हो रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों के भी बॉर्डर तक सरकार सड़कों का निर्माण तेजी गति से कर रही है। इसका फायदा जहां आम जनता को भी हो रहा है, वहीं हमारी आर्मी को भी इसका फायदा मिल रहा है। महोदय, आज वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत सबसे मजबूत स्थिति में है और हम दुनिया के पांचवी बड़ी इकोनॉमी
बन गए हैं, इसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी दोनों ही बधाई के पात्र हैं, जिसमें कि कोरोना आया, अर्थव्यवस्था चरमराई, लेकिन हमने अपने देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा और इसको बढ़ाने का काम किया। यह सब कुछ वही उन्हीं की मेहनत, लगन और तपस्या से ही हो रहा है और देश का चौमुखी विकास हो रहा है। महोदय, कोविड महामारी के कारण दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, वही हमारे देश की भी अर्थव्यवस्था मजबूत होकर उभरी है और उसका श्रेय हमारी सरकार को जाता है। पिछले 8 वर्ष के दौरान केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना, ग्राम विकास, स्वच्छता, साफ जल, परिवहन व जलवायु को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सर्वे ग्रामीण विकास पर जोर दिया है। हमारी सरकार ने कोविड महामारी के दौरान और बाद में करीब 80 करोड़ गरीबों को अन्न देने का काम किया है। महोदय, हमारी सरकार चाहती है कि पूरे देश में पक्के मकान हो, आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान देने का काम किया है। जिनके पास में छत नहीं थी, आज उनके पास में छत है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। हमारी सरकार लगातार गरीबों को छत देने का काम कर रही है। हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ कार्ड हेतु 5 लाख रुपए देने की व्यवस्था की थी। आपने देखा होगा कि 14 से पहले जो कोई गरीब अगर बीमार पड़ जाए, उसे गंभीर बीमारी हो जाए, तो उसको कोई पूछने वाला, सहारा देने वाला नहीं होता था, तो वो पैसे के अभाव में अपना जो है जान गंवा बैठते थे। लेकिन इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए, उसके हालातों को देखते हुए, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5,000 लाख रुपए जो है देने का काम किया है, जिससे कि अपना जो है इलाज करवा सके। लगातार इसमें जो है पैसे देने का काम करी है, जिससे हेल्थ में सुधार भी हो रहा हूँ। कोरोना जब आया तो सभी जगह आपने देखा होगा कि फ्री वैक्सीन देने का काम किया और सभी को वैक्सीन फ्री लगी, किसी से कोई भी किसी तरह का कोई पैसा देने का काम नहीं किया। महोदय, हमारी सरकार लगातार गरीब और वंचितों के लिए काम कर रही है। उज्ज्वला योजना के तहत ऐसे ग्रामीण लोगों में भी और शहरी गरीबों में भी उज्ज्वला योजना के तहत का 9.5 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का काम किया है उन्होंने, और उस पर सब्सिडी देने का भी काम किया, जिससे कि उन्हें राहत मिले। और जो मजदूर हमारे मनरेगा जो न्यूनतम मजदूरी जो थी उनकी पहले 178 रुपये थी और बढ़ाकर 220 कर दी गई, जिससे कि यहाँ कहा भी गया सदन में कि मजदूरों की मजदूरी कम है, लेकिन आपने तब ध्यान नहीं दिया जब आप सरकार में थे। हमने उसे बढ़ाकर 120 रुपये किया गया है। महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए 220 उसको दिया। खत्म करिए समय तो लगातार अपने उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह का विकास करने का काम किया है, चौमुखी विकास दिया है, वो किसी से छिपा नहीं है, वो सबके समक्ष है, सबके सामने है कि लगातार जो है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाने का हमारी केंद्र सरकार ने भी लगातार उनका योगदान इसमें रहा है। सभी क्षेत्रों को है इसमें पैसा देने का, अनुदान देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अजय प्रताप सिंह। 8 मिनट।